हेलो फ्रेंड्स, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाला हूं। और ये जो इलस्ट्रेशन है ये आपका डिसीजन मेकिंग टेक्निक के टॉपिक के अंदर है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बुक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग एक चैप्टर है। और वो डिसीजन मेकिंग चैप्टर के अंदर ये जो इलस्ट्रेशन है ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इलस्ट्रेशन का वेटेज है अप टू 8 मार्क्स। और इलस्ट्रेशन 3 इज ऑल अबाउट लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस एंड ऑप्टिमम मिक्स। और ये जो लिमिटिंग फैक्टर है उसके ऊपर हम लोग अच्छे से इंटरमीडिएट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वही सब फाइनल के अंदर भी रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना है और बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये मतलब अच्छे से याद रह जाएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। The question is, a manufacturer has 3 products A, B and C. Current sales, cost and selling price details and processing time requirement as follows. Product A, product B and product C के लिए annual sales, selling price, unit cost and processing time required per unit, ये सब given है question में। The farm is working at full capacity, 13,500 processing hours per year. Fixed manufacturing overheads are absorbed into unit cost by a charge of 200% of variable cost. This procedure fully absorbs the fixed manufacturing overhead, right? Assuming that processing time can be switched from one product line to another, the demand at current selling price is given. Product A ke liye 11,000, product B ke liye 8,000 and product C ke liye 2,000, right? And द सेलिंग प्राइसेस भी ऑल्टर नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट ऑपरेटिंग पीरियड एंड टू इंडिकेट द इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट दैट दिस प्रोग्राम शुड यील्ड। इन एडिशन टू अबव आइडेंटिफाई द शैडो प्राइस ऑफ प्रोसेसिंग आवर। यह है क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, इसमें कैलकुलेशन करना है कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर एंड रैंक, राइट। लिमिटिंग फैक्टर दिया गया है तो हम लोगों को रैंक भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, और कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, राइट। तो पहले नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर एंड रैंक। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, 20, 31, 39. Unit cost also given, 18, 24, 30. Now variable cost not given in question. Here in question the farm is working at full capacity, 13,500 processing hours per year. Fixed manufacturing overheads are absorbed into unit cost by a charge of 200% of variable cost. यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन छुपा हुआ है। वो कह रहा है कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर अब्जर्व इनटू यूनिट कॉस्ट बाय ए चार्ज ऑफ 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर 200% चार्ज हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। सी, मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से कैलकुलेट करके रखा हूँ। इन क्वेश्चन गिवन दैट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर अब्जर्व इनटू यूनिट कॉस्ट बाय ए चार्ज ऑफ 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अगर 200% वेरिएबल कॉस्ट चार्ज हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि 100% वेरिएबल कॉस्ट है और 200% फिक्स कॉस्ट है कि नहीं। वो कह रहा है कि इन क्वेश्चन गिवन दैट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो अब्सॉर्ब्ड इनटू यूनिट कॉस्ट बाय ए चार्ज ऑफ 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जितना है उसका 200% है फिक्स कॉस्ट। तो सपोज मान लेते हैं कि 100% है वेरिएबल कॉस्ट, अगर 100% वेरिएबल कॉस्ट है तो 200% हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो अब यहाँ पर 100 + 200 = 300 हो जाएगा तुम्हारा कंसोलिडेटेड कॉस्ट, है कि नहीं। तो अगर 300% हो गया तुम्हारा कंसोलिडेटेड कॉस्ट, देन वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ना, कंसोलिडेटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 300% डिवाइडेड बाय 100% इज इक्वल टू थ्री, वेरी सिंपल। तो यूनिट कॉस्ट गिवन इन क्वेश्चन, ए फॉर 18, B for 24 and C for 30. So according variable cost भी easily calculate हो सकता है। For A 18 divided by 3 is equal to 6. For B 24 divided by 3 is equal to 8. And for C 30 divided by 3 is equal to 10. Right? तो यह है
वेरिएबल कॉस्ट बहुत सिंपल है। वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन क्वेश्चन गिवन दैट फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड इनटू यूनिट कॉस्ट बाय ए चार्ज ऑफ 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सो वी कैन से दैट 100% वेरिएबल कॉस्ट होगा तो 200% फिक्स्ड कॉस्ट होगा, तो ऐसे ही 300% हो जाएगा तुम्हारा कंसोलिडेटेड कॉस्ट। और जितना कंसोलिडेटेड कॉस्ट हुआ वहां से वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ना, टोटल कंसोलिडेटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, टोटल वेरिएबल टोटल कंसोलिडेटेड कॉस्ट परसेंटेज डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू 3। तो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यूनिट कॉस्ट दिया गया है, अगर यूनिट कॉस्ट है 18 रुपीज तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 6 फॉर ए, एंड फॉर बी 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8, एंड फॉर सी 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10। तो ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट आ गया 6, 8, 10। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवेन था, यूनिट कॉस्ट ऑल्सो गिवेन, एंड वेरिएबल कॉस्ट आज कैलकुलेटेड 6, 8, 10। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स गिवेन, सेल्स पर यूनिट गिवेन 20, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवेन 6, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 14 फॉर ए एंड 23 फॉर बी एंड 29 फॉर सी। नाउ प्रोसेसिंग आवर्स पर यूनिट, प्रोसेसिंग आवर्स पर यूनिट ऑलरेडी गिवेन इन क्वेश्चन 1, 1 एंड 2। ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आवर इजीली कैलकुलेट हो सकता है, कंट्रीब्यूशन पर आवर का फॉर्मूला क्या है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय प्रोसेसिंग आवर, प्रोसेसिंग आवर पर यूनिट, प्रोसेसिंग आवर पर यूनिट राइट। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय प्रोसेसिंग आवर्स पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय प्रोसेसिंग आवर्स पर यूनिट। तो ऐसे ही फॉर ए कंट्रीब्यूशन पर आवर आ गया 14, फॉर बी 23 एंड फॉर सी 14.50। नाउ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग रैंक सजा सकते हैं हम लोग, आराम से रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो रैंक हो गया, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम था बी का, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था वी का, तो बी हो गया रैंक वन, रैंक आई। देन सेकेंड सी का था कंट्रीब्यूशन 14.50, तो ये हो गया रैंक टू, एंड फॉर ए 14, ये हो गया रैंक 3 राइट। ये हो गया हमारा रैंक, कंट्रीब्यूशन पर लेबर लेबर आवर एंड ऑल्सो रैंक। नाउ कम्स टू सेकेंड पॉइंट, ऐसे भी स्टेप बाई स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो भी स्टेप मार्किंग मिल सकता है राइट। नाउ कम्स टू कंप्यूटेशन ऑफ करेंट प्रॉफिट, ऑफ करेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, करेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसके बाद फिर ऑप्टिमम मिक्स एंड प्रॉफिट एट दैट मिक्स, वहां पर ऑप्टिमम मिक्स के अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है और करेंट प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसके साथ मैच करेंगे और देखेंगे कि कहां पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ करेंट प्रॉफिट ऐसे ही हम लोग सीरियल नंबर लिख लेंगे डिस्क्रिप्शन ए बी सी, और यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 6000 एंड 750। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आज हम लोग कैलकुलेटेड किए हैं 14, 23, 29, कंट्रीब्यूशन स्टेप वन के अंदर हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 14, 23 एंड 29 राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आ गया 14, 23, 29। नाउ कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन का प्राइस कितना होगा, कंसोलिडेटेड कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ऐसे ही फॉर ए 6000 इंटू 14 दैट इज 84000, फॉर बी 6000 था नंबर ऑफ यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 23, तो ये हो गया बी फॉर 128000 कंट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, फॉर सी नंबर ऑफ यूनिट था 750 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आज कैलकुलेटेड 1929, तो ये हो गया 21750 राइट। कंट्रीब्यूशन आ गया कंसोलिडेटेड कंट्रीब्यूशन दैट इज 243750। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट
also given question, also given in question that fixed cost, fixed manufacturing overheads are absorbed into unit cost by a charge of 200% of variable cost, by a charge of 200% of variable cost, right? So now तो 200% ऑफ फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ना, 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट आज कैलकुलेटेड फॉर ए 6, फॉर बी 8 एंड फॉर सी 10. तो अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, सॉरी फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ना, 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. तो 6 × 200% इज इक्वल टू 12 एंड फॉर बी 8 × 200% दैट इज 16 एंड फॉर सी 10 × 200% दैट इज 20, राइट. नाउ टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू फिक्स कॉस्ट फॉर यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू फिक्स कॉस्ट फॉर यूनिट्स. तो 6000 था नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट, और फिक्स कॉस्ट फॉर यूनिट आज कैलकुलेटेड 12. तो ये हो गया फॉर ए फिक्स कॉस्ट आ गया 72000, फॉर बी 96000 एंड फॉर सी 15000, राइट. तो ये तीन मिलाकर हो गया फिक्स कॉस्ट 183000, फिक्स कॉस्ट 183000. तो यहाँ पर प्रॉफिट कैसे आएगा ना, 243750 था कॉन्ट्रीब्यूशन और वहाँ से माइनस हुआ फिक्स कॉस्ट दैट इज 183000. तो अब प्रॉफिट आ गया 60750, करेंट प्रॉफिट आ गया 60750. नाउ कम्स टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम मिक्स एंड प्रॉफिट एट दैट मिक्स, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम मिक्स एंड प्रॉफिट एट दैट मिक्स. यहाँ पर तीन स्टेप फॉलो करना है. स्टेप वन कंट्रीब्यूशन पर आवर एंड रैंक कैलकुलेट करना है, देन सेकंड कंप्यूटेशन ऑफ करंट प्रॉफिट. नाउ कम्स टू स्टेप 3, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम मिक्स एंड प्रॉफिट एट दैट मिक्स एंड प्रॉफिट एट दैट मिक्स, राइट. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, ऑर्डर ऑफ रैंक, ऑर्डर ऑफ रैंक क्या था, ऑर्डर तो रैंक था, रैंक के अकॉर्डिंग ए को मिला है 3 रैंक, बी को मिला है 1 रैंक एंड सी को मिला है 2 रैंक, राइट. तो आवर पर यूनिट कितना था गिवेन क्वेश्चन, फॉर ए 1, फॉर बी 1 एंड फॉर सी 2. प्रोसेसिंग आवर गिवेन इन क्वेश्चन 1 फॉर ए, 1 फॉर बी एंड 2 फॉर सी, राइट. नाउ डिमांड ऑल्सो गिवेन क्वेश्चन, डिमांड ऑल्सो गिवेन इन क्वेश्चन 11000 फॉर ए, 8000 फॉर बी एंड 2000 for C. Now how to calculate hours needed, hours needed formula है क्या ना, process hours per unit into process hours per unit into demand in units. तो ये आ गया hours needed 11000 for A, 8000 for B and 4000 for C. ये हो गया कंसोलिडेटेड आवर्स नीडेड 23000. नाउ कम्स टू आवर्स एलोकेटेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैंने वर्किंग नोट बनाकर रखा है, वहां पर देख लेंगे. नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, आवर्स एलोकेटेड डिवाइडेड बाई जितना आवर पर यूनिट था. आवर्स एलोकेटेड डिवाइडेड बाय प्रोसेस आवर्स पर यूनिट, आवर्स एलोकेटेड डिवाइडेड बाय प्रोसेस आवर्स पर यूनिट. तो ऐसे ही फॉर ए आ गया 1500, फॉर बी 8000 एंड फॉर सी 2000. नाउ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आज कैलकुलेटेड 14, 23, 29. ऑलरेडी हम लोग स्टेप वन के अंदर कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किए हैं. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ए 14, फॉर बी 23 एंड फॉर बी 29. नाउ कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना होगा आज फॉर ऑप्टिमम मिक्स, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये आ गया ए का 21,000, बी का 1,84,000 एंड सी का 58,000, ये आ गया 2,63,000। राइट, नाउ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आज गिवेन 1,83,000। आज वी कैलकुलेटेड, आज कैलकुलेटेड इन स्टेप टू, इन स्टेप टू आज कैलकुलेटेड दैट इज 1,83,000। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है ना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, राइट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज 80,000। नाउ इंक्रीज इन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, कॉम्पुटेशन ऑफ करेंट प्रॉफिट, करेंट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना था 60,750, और यहाँ पर स्टेप थ्री के थ्रू प्रॉफिट कितना आया, स्टेप थ्री इज ऑल अबाउट ऑप्टिमम मिक्स एंड प्रॉफिट एट दैट मिक्स, तो ऑप्टिमम मिक्स के हिसाब से प्रॉफिट आया है 80,000। और स्टेप टू जो था कंप्यूटेशन ऑफ करेंट प्रॉफिट, वहाँ पर प्रॉफिट था 60,750, तो यहाँ पर ऑप्टिमम मिक्स के अंदर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 19,250। सो डिसीजन नीड टू बी टेकन अकॉर्डिंगली, डिसीजन नीड टू बी टेकन अकॉर्डिंगली। नाउ कम्स टू मेन मेजर पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट आवर्स एलोकेशन, हाउ टू कैलकुलेट आवर्स एलोकेटेड, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों को पता था कि रैंक ए को रैंक थ्री मिला था, ए को रैंक थ्री मिला था, है कि नहीं, और बी को मिला था रैंक, बी को मिला था रैंक वन, और सी को मिला था रैंक टू, राइट, ये था रैंक। तो रैंक के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है ना, जो आवर्स था वो आवर्स को एलोकेट करना है ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर। तो हमारे पास कितना था आवर्स अवेलेबल, दैट इज 13,500 आवर्स हमारे पास अवेलेबल था, तो वो 13,500 को हम लोगों को ए बी सी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ कर आए हैं कि ये एक लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, तो लिमिटिंग फैक्टर के केस में क्या होगा, जितना आवर्स अवेलेबल होगा उसको पहले रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पहले रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सॉल्व किए हैं कि रैंक जो है वो बी को मिला है रैंक वन, सी को मिला है रैंक टू एंड ए को मिला है रैंक थ्री अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन। जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसका ज़्यादा रैंक आएगा, तो कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बी को मिला है रैंक वन, सी को मिला है रैंक टू एंड ए को मिला है रैंक थ्री। तो बी जितना आवर्स अवेलेबल है दैट इज 13,500, उस 13,500 को पहले बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, आवर्स नीडेड कितना था 8,000, आवर्स नीडेड कितना था 8,000, तो 8,000 जो है ये 8,000 into 1, राइट, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, आवर्स नीडेड इंटू प्रोसेस आवर पर यूनिट, प्रोसेसिंग आवर्स पर यूनिट, राइट। तो आवर्स नीडेड फॉर बी 8,000, प्रोसेसिंग आवर्स पर यूनिट 1, तो ये आ गया फॉर बी 8,000, एलोकेशन ऑफ आवर्स फॉर बी इज 8,000, एंड फॉर सी, सी को मिला है रैंक 2, तो अब 13,500 से कितना रहा, 13,500 था, और यहाँ पर 8,000 हो गया तुम्हारा, क्या मिल गया रैंक बी को, और जितना रहा उसको रैंक टू रैंक सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रैंक सी के लिए आवर्स रिक्वायर था 2,000, और प्रोसेसिंग आवर पर यूनिट है 2, तो 2,000 into 2 दैट इज 4,000, ये सी के लिए एलोकेशन हो गया आवर्स, राइट, 8,4, 12,000। अब 13,500 से 12,000 चला गया बी एंड सी के अंदर, बी एंड सी के अंदर, और जो रिमेनिंग रहा 1,500 वो हो जाएगा रैंक थ्री, वो हो जाएगा रैंक थ्री का एलोकेशन, राइट। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है
hours allocated for A 1500, for B 8000 and for C 4000, that is 13500, right? तो ऐसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन. ये थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले कंट्रीब्यूशन फॉर लेबर आवर एंड रैंक कैलकुलेट करना है, और वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया इस सॉल्यूशन के अंदर. देन स्टेप टू में कॉम्प्यूटेशन करना है करेंट प्रॉफिट को. देन स्टेप थ्री के अंदर कैलकुलेट करना है ऑप्टिमम मिक्स एंड प्रॉफिट एट दैट मिक्स. एंड उसके साथ हम लोगों को मैच करना है कि करेंट प्रॉफिट कितना था और ऑफ कितना प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्टिमम मिक्स के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है. तो करेंट प्रॉफिट था 60,750, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ऑप्टिमम मिक्स के अंदर 80,000, तो यहाँ आ गया 19,250, राइट. तो ऐसे ही वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फॉर बी रैंक वन 8,000 × 1 8,000, फॉर सी रैंक टू 2,000 × 2 4,000, एंड फॉर ए रैंक थ्री 13,500 − 12,000, दैट इज 1,500, राइट. तो वेरी सिंपल, वेरी इजी. और ये क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व इन एग्जामिनेशन. सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 3, दैट इज लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस एंड ऑप्टिमम मिक्स. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4, दैट इज ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स एंड कंट्रोल. इसको सॉल्व करेंगे, राइट. सो now this is it all about from my side. Thank you so much for your support, thank you so much for your patience and happy studying. Aur aaj super sunday hai, IPL ka final hai, to kaun sa team acha khel kar win karega wo aap comment section mein zarur likh sakte hain. Thank you so much.